अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आंटी जी, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, ये सब क्या था? लेकिन अब ना मैं आपकी चाले समझने लगी हूँ। ये आपका कोई नया जाल है ना दालचीनी को फंसाने के लिए? कला बेटा, मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ भी सिखाया वो ठीक नहीं था, और इंसान जिंदगी में गलत चीजें करके कभी सुकून नहीं पा सकता। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। देखो बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, प्लीज तुम वो गलतियां मत करना जो राज रानी ढिल्लों ने की। ये पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, ये कोई मायने नहीं रखती बेटा। इंसान की असली दौलत उसका परिवार होती है। कौन सा परिवार आंटी जी? हम गरीबों के परिवार में ना एक दारू पीने वाला शराबी बाप और एक खुसट बुआ होती है, ऐसे लोग होते हैं। आप कह रही कि मैं ऐसे परिवार के लिए मेहनत करूं? ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा ही सही। क्या ना कि जिंदगी अपने आप समझा देगी। अब मुझे जाना है क्योंकि मुझे अपनी बेटी को कुछ देना है। थैंक यू गॉड, अब मैं एक बार फिर से प्राउड के साथ ये कह सकता हूं कि मेरी मॉम इस दुनिया की बेस्ट मॉम है। थैंक यू। तेज की जान बचाकर बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन नहीं, मैं भी अपना पत्ता इतनी आसानी से तो नहीं कटने दूंगी। दादा, अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो भाभी। दान करता नहीं माना, हार गए आज। लेकिन देव नारायण चंदेल कभी नहीं हार। चलो उसका नाम और पता मुझे दो। तारामती नाम है उनका। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर 9:30 PM। आज एक माँ अपनी बेटी को ये साड़ी दे रही है। नीम के पत्तों से आज जो शहद टपक रहा है ना, मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं भी लाइफ में पहली बार टॉक के टेल को ना सीधा होता देख रही हूँ। असली तो तुम्हारी है। पुश्तों का प्यार जो है साड़ी में, तुम्हारी तो होगी ना। एक काम कर, जल्दी से साड़ी पहन के तैयार हो जा, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए खीर बनाऊंगी। बताए मैडम जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ, या फिर जब कोई सपना पूरा होता होगा तो ऐसा ही महसूस होता होगा ना। आज रब ने ना मुझे मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। मेरी मां लौट आती है।
बस 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 नहीं रोते मैं आती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। Love you too. Dum tak tak, dum tak tak. Dum tak tak, dum tak tak. Kudi hai jaise dal chini, lai hai khushboo bhini bhini. Kudi hai jaise dal chini, kudi hai jaise dal chini. अगर नींद खुल गई और अगर ये सपना टूट गया तो कितना बुरा लगेगा ना। पर कोई बात नहीं, सपना तो सपना ही सही, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो जी लूं। पता है बाबा जी, आज मैडम जी ना खुद मेरे लिए खाना बनाने गई हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मुझे ससुराल में भी मायके वाला प्यार मिलेगा जैसे पापा जी करते थे। आज तो मैंने ना पागल ही हो जाना है। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। देखा, कोई सपना नहीं है, सब कुछ सच है, समझी? देखिए लाल जी, आपको अच्छी बात भी ऐसे मिर्च लगाकर ही बोलनी होती है ना। हाँ तो मैंने देखा कि इतनी खुशी तुमसे हजम नहीं हो रही है। अब हाजमा ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत तीखी मिर्ची तो जरूरी है ना, खाने के बारे में तो पता ही है तुम्हें। इतनी जोर से चुटी कौन काटता है? बस बस, इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो, बहुत धीरे से चुटी काटी मैंने तुम्हें। अरे तुम्हारी बुआ जी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी बुआ जी। ते सर जी, दालचीनी से बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, ये लीजिए। सत श्री अकाल बुआ जी, आप कैसे हो? पापा जी ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ पुत्र, तेरे पापा जी पहले से ठीक हैं। खाने की दवाई भी थोड़ी कम कर दी है। पर अब तू ये बता, सब ठीक तो है? तू खुश तो है ना पुत्र? मैं तो एकदम चंगी हूँ बुआ जी, और आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे एक महीने पहले मैं घर से विदा हुई थी ना, पर सही मायनों में मेरा गृह प्रवेश आज हुआ है बुआ जी। अगर पापा जी सफर करने की हालत में होते ना, तो वो खुद मुझे खुश देकर कितना खुश होते। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। दिलीप जो प्याज तो तब तुम यहां क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना जल्दी से तैयार हो जाओ। पर आप ऐसे अकेले किचन में काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अभी तो आपने मुझे बेटी बना लिया है ना, तो हक से आपकी मदद कर सकती हूँ ना। ये तोहफा मैं तुम्हें देना चाह रही थी, अब सारी मेहनत तुम कर लोगी तो तोहफा थोड़ी रह जाएगा ये। प्लीज ना मैडम जी, आप मम्मी जी बताए, मम्मी जी मेरा ना बहुत वक्त से सपना था कि मैं आपके साथ खाना बनाऊं, कितना कुछ सीखने को मिलेगा ना आपसे। और वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, माँ किचन में काम कर रही है और बेटी आराम से बैठी है। आप बताइए ना क्या क्या करना है, मैं फटाफट कर दूंगी। दिलीप जी आप कुछ बाहर का काम देखिए ना।
दिलीप तुम जा, अब तुम्हें बेटी बना ही लिया है तो तुम्हारी बात भी माननी पड़ेगी। ठीक, प्याज काटो और बारीक काटना, लंबा लंबा, ठीक है, और गंदगी नहीं मचाना। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।